राम राम भैया, कैसे हो? ठीक ठाक हो? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया। अच्छा भैया, 15,000 का जब बिल होगा। और मम्मी भी बोर हो गए हैं यहाँ पे खड़े खड़े। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बड़े प्यारे पे निक्के बड़ा बड़ा प्यार। ते सवेरे दे 11 बजे ना, ते सोन दिंदे नहीं घर आ रहे हैं, राती नींदर भी बड़ी लेट पई। ते अज चले असें टाइलें लैन, घर कम लवाए दा। ते पहले आंदियां ही टाइलां, तो थोड़ी घट पईयां, परतिए चले हैं अज। ते पिछली बार में वीडियो भी नहीं बनाई, टेंशन ही थोड़ी जी। ते अज दसने तुसीं कुत्थे जाना ते केड़ी केड़ी टाइल लैना है। चलो, टाइलें पहले थोड़ी जी पसंद आई थी, आज और पसंद करने जा रहे हैं। पहले तो ले आया था मैं स्टॉक, वो लगा चुके हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा रह गया है, वो लेने जा रहा हूँ और बताएंगे। माधवी टाइल्स है वैसे, वहाँ पे बाई की दुकान है एक किस्म की, और ज्यादा रेट तो नहीं लगाते, किसी को भी लगाते, मुझे भी लगाते। अब पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो जाते हैं अंदर, मिलते हैं, फिर करते हैं सब कुछ। राम राम भैया, कैसे हो? ठीक ठाक हो? एक ये पसंद आई है अभी, और एक ये पसंद आई है, ये बड़ी अच्छी लग रही है। और भी बताते हैं, दो पसंद ये पसंद आई है, ये लॉबी में लगी है हमारे, और इस बार कलेक्शन भी बेगे बस अच्छी आई है। और एक ये भी पसंद आई है फिलहाल, और एक ये रंग आया पसंद, और ये और इसका मैच होगा, ये चेक बनेगा, और ये ब्रांडे में लगाएंगे जहाँ गाड़ी शाड़ी लगाते हैं हम। और बाकी एक ये भी था, मगर इस पर हमने गौर नहीं दिया। जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई हैं, अब एक और हमें एक्स्ट्रा थोड़ी चाहिए, तो भैया कहते हैं गोदाम से देख ले जो तुझे पसंद है। मैं चलो गोदाम से होके आता हूँ, फिर देखते हैं। गोदाम भी बताएंगे भैया का, और मेरा नाम लोगे डिस्काउंट भी मिलेगा। भैया के गोदाम में पहुँच चुके हैं, भैया ने इधर ठीक ठाक जगह ली हुई है, और गोदाम में जाते हैं और देखते हैं। लोकेशन देखिए जहाँ पर भैया ने गोदाम डाला है, ये गोदाम लग रहा तो छोटा सा ही है, मगर अंदर जाओ घुसोगे ना, पूरा 100-150 फुट पीछे है। और ये देखिए गोदाम, ये आगे भी है, वहाँ से एंट्री है। वो देखिए गोदाम, देखिए कितना बड़ा है, पीछे तक जहाँ तक नज़र जाएगी ना, टाइल ही टाइल मिलेगी। यहाँ पे कम से कम कोई 7-8 बड़े बड़े टिप्पर के सामान रखा हुआ है, और 2-3 टिप्पर और लग जाता है। तब एक ये भैया भी है। भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया। अच्छा भैया, बाय बाय, थैंक यू, ओके। और टाइलें वगैरह ले आया था मैं, अब चले हैं बेस्ट प्राइस, घर का सामान लाना है, तो साथ में जो जो सामान लेंगे वो भी बताऊँगा क्या क्या शॉपिंग की है, और टाइलों का भी बताऊंगा। और साथ में ये देख लो, कहते हो बाल बाल नहीं, टोपी या टोपी का शौक है, बाकी बाल पूरे हैं, देख लो सेट है ना। और बेस्ट प्राइस पहुंचने वाले हैं, और आपको पता है क्या चीज मिली फिर से? आपको पता ही है, ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक लेफ्ट। अब गाड़ी करते हैं यहाँ पे पार्क, देखते हैं। और शॉपिंग चल रही है कंटिन्यू, फिलहाल तो थोड़ा सा ही सामान डाला हुआ है, ये देखिए अभी और डालेंगे, फिर आपको बताएंगे एंड में कितना पहुंचा है सामान, कितना नहीं। It's the sound of soul in me, in me. अभी भी नंबर नहीं आ रहा, 30 मिनट हो गए हैं, अभी भी लाइन में, क्या करूं? 40 मिनट हो गए हैं, अभी भी नंबर नहीं आया हमारा, आएगा तो बताएंगे। और सामान थोड़ा ही लिया है, ये होगा 10-15, ये होगा कोई 12-15 हज़ार का, जब बिल होगा बिल बताएंगे आपको कितना है, इतना तो होगा ही होगा।
10,000 का लगा के चलो। और मम्मी भी बोर हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, कहते कहाँ लेके आ गया। बिजली का नंबर आ गया है काफी देर बाद, मगर आया है। मम्मी तो थक गई थी, कम ही बना 10,000 से 93,01.33। शॉपिंग हो गई है, मैं बोला था 10-12,000, हाँ इतना लग गया कि राउंड फिगर 95,100 लग गया है। थोड़ा सा पेट्रोल भी होगा तो 10,000 पूरा लग जाएगा। और मम्मी को बड़ी पड़ी थी बेस्ट प्राइस जाने की, बेस्ट प्राइस कर रहे थे। मैं चलो आज मैं खुला शेर बना हुआ हूँ तो बन गया। फिर मैं एक ही बार खुला शेर नहीं, फिर मैं दहाड़ के। और शॉपिंग पूरी हो गई है, अब चले हैं घर। अब जाना भी है, जिम भी जाना है। तो बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। अब जो वीडियो आएंगी ना, अब शादी पे ही आएंगी, 2-3 शादियों में, भाई की शादी है, एक और हमारे रिलेटिव में शादी है, तो उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगा मैं। ओके।